प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। टेक हेल्पर में आपका स्वागत है और मैं आज छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। कल बहुत भाई बड़ा बन गया था। सबसे पहले बता दूं कि मैंने रिसेंटली अपने चैनल का नाम चेंज किया है, रघु टेक हेल्पर कर दिया है। इस पे केवल टेक्निकल से रिलेटेड मेरी वीडियोज़ आएगी। तो आपको बताएंगे कि अगर आपके फ़ोन में या गैलरी में या कोई भी डाटा हो डिलीट हो जाती है और आप उसे रिकवर नहीं कर पाते हो, बहुत अफसोस भी बाद में होता है कि मेरा ये वीडियो डिलीट हो गया या फोटोज़ डिलीट हो गया और मैं उसे रिकवर नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसके लिए एक छोटा सा ऐप है, उसके बारे में मैं बताऊँगा और आप उसे रिकवर कर सकते हो आसानी से। तो चलिए शुरू करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। कैसे किया जाता है, क्या फंक्शन है, क्या वर्किंग है, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप जाएंगे प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले इंस्टॉल किया है। अगर आपको पता ना हो इस ऐप के बारे में, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। यहाँ आप इसको सर्च कर सकते हैं, डम्पस्टर। ये आ गया डम्पस्टर, ये ऐप है, ठीक है। इस ऐप को आप डाउनलोड कर लेंगे, मेरा पहले से डाउनलोड है। इसमें रेटिंग दे देता हूँ अच्छा, बाद में वो दिखेंगे। अब जैसे कि ये मैंने इंस्टॉल कर लिया है, मेरे फ़ोन में इंस्टॉल है। यहाँ मैं आपको दिखा दूँ, ये है जो इंस्टॉल है। तो आप चलेंगे सबसे पहले अपने गैलरी में। अगर सपोज डैट कि गैलरी से आप कोई भी चीज़ डिलीट करते हो, मैंने ये वीडियो डिलीट कर दिया, डिलीट कर दिया, ये डिलीट हो गई, और मैं ये फ़ोटो भी डिलीट कर दिया, डिलीट हो गई। कुछ भी हो आपके गैलरी में, वो डिलीट कर दिया। तो ये डिलीट होने के बाद भी आपके फ़ोन में रुका रहेगा अगर डिलीट में नहीं है तो। वैसे मेरे फ़ोन में अलग से फैसिलिटीज़ है, रिसेंटली डिलीटेड वाले में आप चेक कर सकते हैं सारा। इसको डिलीट कर दिया और ये स्टोर भी कर दिया, तो ये सारे डिलीट यहाँ से भी हो गए हैं। और आपको दिखाऊंगा कि ये चीज़ मेरे फ़ोन में ही है, जो ऐप मैंने डम्पस्टर डाउनलोड किया है उसमें है। ये इसे खोला, खुल जाओ खुल जाओ खुल जाओ, खुल गया। अब जो मैंने स्किप करो इसको, अब जो मैंने वीडियो डिलीट करा है जो यहाँ शो कर रहा है, ये यहाँ शो कर रहा है, देखिए ये वीडियो मैंने डिलीट करा था। मैं आप सबको बता तो ये वीडियो है, और आपको अगर जैसे इमेज मैंने डिलीट किया तो इमेज भी आ जाएगा। इमेज में जाकर क्लिक करेंगे कैमरा, और ये इमेज, ये फ़ोटो थी ना, ये मैंने डिलीट करा था, ये भी डिलीट इसमें है। तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर लो, मैं डिस्क्रिप्शन में एक बार और बोल देता हूँ, लिंक दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना या प्ले स्टोर पर सर्च करना डम्पस्टर, उस पर सर्च करके आप डाउनलोड कर लो। कोई भी चीज़ आपके गैलरी से या फोटोज़ या वीडियोस कुछ भी डिलीट होता है तो इसमें आपका डिलीट नहीं होगा, बचा रहेगा। फिर बाद में आप इसको रिकवर भी कर सकते हो। रिकवर करने का तरीका ये है, फिर खोलता हूँ इसको, स्किप, जैसे कैमरा, कैमरा यहाँ पे रीस्टोर, और यहाँ पे आप जाएंगे रीस्टोर करेंगे, ये आपके गैलरी के फाइल में चल जाएगा, जहाँ पे था वो फ़ोटोज़ या वीडियोज़ उसी जगह पे चला जाएगा। तो है ना, बहुत अच्छा ऐप। तो जाइए डाउनलोड कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल आइकन दिया होगा उसे भी क्लिक करिए। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियोस? ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए रघु टेक हेल्पर को, और बेल आइकन दिया होगा बेल आइकन को भी क्लिक करें, लाइक करें, गिव अ बिग थम्स अप फॉर माय चैनल। दिस इज माय न्यू चैनल, सो प्लीज डू सब्सक्राइब। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे। आपका धन्यवाद।